ने मांग की है, उपचुनाव में मतपत्र से वोटिंग कराए जाने की मांग की है। चुनाव आयोग को इसके लिए कांग्रेस ने पत्र लिखा है। ईवीएम से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा कांग्रेस ने बताया है। पीएसवा की बड़ी खबर भोपाल से, जहां निर्वाचन आयोग से कांग्रेस ने मांग की है उपचुनाव जो अभी मध्य प्रदेश में होने हैं, इस चुनाव में मत पत्र से वोटिंग कराए जाने की मांग की है। चुनाव आयोग को कांग्रेस ने इसके लिए पत्र लिखा है। कांग्रेस का ये कहना है कि ईवीएम से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है और कोरोना काल के बीच ही उपचुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस ने ईवीएम से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा यहां पर जताया और इसी के चलते निर्वाचन आयोग को कांग्रेस ने पत्र लिखा है। निर्वाचन आयोग से उपचुनाव में मत पत्र से वोटिंग कराए जाने की मांग कांग्रेस ने की है। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर डंडोतिया हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। सुधीर, निश्चित रूप से कोरोना काल में उपचुनाव होने हैं, कांग्रेस ने ईवीएम से वोटिंग कराने की मांग की को लेकर उन्होंने आशंका जताई है कि इससे कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है, मतपत्र से चुनाव कराए जाने की मांग कांग्रेस ने की है, किस तरह से देखें इसे? देखिए, बिल्कुल लगातार कांग्रेस इस बात की मांग शुरुआत से करती रही थी। इससे पहले ईवीएम में गड़बड़ियों का हवाला कांग्रेस की ओर से दिया जाता, पर चूंकि इस समय कोविड-19 जो महामारी है उसका प्रकोप ज्यादा है और मध्य प्रदेश के जिन क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, खासकर ग्वालियर चंबल की बात करें जहां पर सबसे ज्यादा सीटें 16 सीटों पर चुनाव होने हैं, वहां पर इस महामारी ने काफी ज्यादा विकराल रूप लिया है। लिहाजा कांग्रेस ने चिंता जाहिर की है कि मध्य प्रदेश के अंदर ईवीएम चूंकि एक बटन को काफी सारे लोग दबाएंगे, लिहाजा संक्रमण के खतरे की आशंका कांग्रेस की ओर से जताई गई और कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उपचुनाव में जो है बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। कांग्रेस का यह भी तर्क है कि सरकार के द्वारा जो ईवीएम की खरीदी की जाती है, चूंकि इस समय महज 15 जिलों में जो 55 लाख मतदाता हैं केवल उनको वोट करना है, ऐसे में 55 लाख जो मतपत्र है उनकी छपाई का खर्चा भी काफी कम आएगा, लिहाजा सरकार के पैसे की भी बचत होगी और एक निष्पक्षता के साथ में लोगों की जो संक्रमण का खतरा है वो भी कम रहेगा। ऐसे में चुनाव आयोग से कांग्रेस की ओर से पूरी मांग की गई, जिसमें कांग्रेस की ओर से एक पत्र चुनाव आयोग को सौंपा गया और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि आने वाले उपचुनाव में ईवीएम की जगह मतपत्रों का इस्तेमाल जो है इन चुनावों में किया जाए। सुधीर, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, निश्चित रूप से संक्रमण का खतरा यहां पर बढ़ा है, क्या माना जाए कि ईवीएम से यदि चुनाव होते हैं तो क्या संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, ये इसके पीछे कुछ और मंशा है? देखिए, बिल्कुल जो WHO की गाइडलाइन है उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर बार बार कोई व्यक्ति किसी छूने वाली चीज को छुए तो संक्रमण के खतरे की आशंका रहती है। लिहाजा बार बार यही अपील जो सरकार के द्वारा स्वास्थ्य महकमे के द्वारा की जा रही है कि किसी भी वस्तु को ना छुए और खासकर जिन वस्तुओं को ज्यादातर लोग छूते हैं उनको उनसे दूरी बनाकर रखें। ईवीएम का अगर बात करें तो एक जो पोलिंग रहती है वहां पर मुश्किल से 3 या 4 ईवीएम का इस्तेमाल लगातार किया जाता है और ऐसे में एक पोलिंग पर लगभग 1000 से 1200 जो वोटर है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर होगा कि एक वोटिंग मशीन के अंदर अगर 450 वोट भी अगर डाले जाते हैं तो सुधीर माफ कीजिएगा, मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा और हमारे साथ बीजेपी से दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे हम जान लेते हैं कि आखिर कांग्रेस के इस फैसले को वो किस तरह से देखते हैं। दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC24 में। जी नमस्कार। कांग्रेस की ओर से ये मांग की गई है ईवीएम से, उनका ये कहना है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है इसलिए उपचुनाव जो है वो मत पत्र से कराया जाए, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? देखिए, संक्रमित तो पूरी कांग्रेस है इस समय पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। जब आप हार के कगार पे खड़े होते हो तो आप ठीक रहा ईवीएम पे बोलते हो, जब आप जनता की जन अपेक्षाओं पे खड़े नहीं उतरते हो तो ठीक रहा ईवीएम पे बोलते हो। कर्ज माफी आपने मध्य प्रदेश में की नहीं, आपने कन्यादान योजना के पैसे दिए नहीं, आपने युवाओं को भत्ता दिया नहीं और अब पूरा का पूरा ठीक रहा आप ईवीएम पे बोलना चाहते हो। चुनाव आयोग निश्चित रूप से निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए जाना जाता है और मुझे लगता है कि हर प्रिकॉशंस को चुनाव आयोग अपनाएगा। जी दुर्गेश जी, यदि हम देखें तो क्या आपको लगता है कि ईवीएम से यदि चुनाव होते हैं तो संक्रमण का खतरा क्या निश्चित रूप से बढ़ सकता है? देखिए, ये सब चुनाव आयोग को निर्णय लेने हैं, चुनाव आयोग के पास अपनी अपनी पार्टी उस आधार पर ये लोग कांग्रेस गए होंगे, पर मुझे लगता है कि चुनाव आयोग हर चीज में सतर्कता बरतते हुए जो क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण चल रहा है, वो उसी उस पे चुनाव आयोग का निर्णय अपने उससे लेगा। जी दुर्गेश जी, यदि कांग्रेस इस समय में इस तरह की मांग कर रही है तो क्या कोरोना संक्रमण के साथ कोई और मंशा कांग्रेस के आप इस तरह से देख रहे हैं इसे?
निश्चित रूप से मंशा तो ये है कि जब कोरोना काल में इनको जनता की सेवा करनी चाहिए थी तब भी वो लोग ट्विटर और फेसबुक पे बैठे रहे, जब कोरोना काल में जनता के बीच में उनके दुख दर्द उनके उनकी वेदना उनकी पीड़ा हरने का समय था तब भी आप ट्विटर और फेसबुक पे बैठे रहे। तो मुझे लगता है कांग्रेस की मंशा सिर्फ और सिर्फ राज करने की है, सेवा सेवा भाव जो सेवा करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आता है, मुझे लगता है कांग्रेस से कोसों दूर है। चलिए दुर्गेश जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जाफर जी बहुत बहुत स्वागत आपका विश्व 24 में। जी धन्यवाद। ईवीएम से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा या आशंका आप लोगों ने जताई और इसके साथ ही मतपत्र से वोटिंग कराए जाने की मांग आप लोगों ने की है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका कहना है कि हार के डर से ये सब कुछ किया जा रहा। देखिए दो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, एक तो ये कि कांग्रेस पार्टी या जो प्रमुख विपक्षी दल है पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने कोई पहली बार मतपत्र से मांग नहीं की है। हम लोग लगातार ये बात करते आ रहे हैं कि जो चुनाव है वो मतपत्र से होना चाहिए, एक विषय तो ये हो गया जो कि नई बात नहीं है, इसलिए भाजपा को इतना हायतोबा करने की आवश्यकता नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और जिस प्रकार से WHO या शासन जो इसके बचाव के रास्ते बताते हैं वो तो यही बताते हैं ना कि सोशल डिस्टेंसिंग हो। तो मुझे जब बताइए कि आप अगर मतदान करेंगे ईवीएम तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी, तो ये सब चीज तो तकनीकी रूप से कांग्रेस पार्टी ने अपना पक्ष रखा है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कोरोना की महामारी लगातार बढ़ रही है चुनाव आयोग इस पर जरूर संज्ञान लेगा। जी जी चलिए दुर्गेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे, आपने सुना सैयद जाफर जी को। देखिए जाफर जी ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस हमेशा से ही मांग करती आई है, जब आप जीतते हो तब मांग नहीं करते हो और जब आप हार के कगार पे खड़े होते हो तो हमेशा ही मांग करते आते हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर दी है और वो इस तरफ बढ़ने की बात कर रही है, पर मुझे एक बात की इससे भी आश्वस्त हूं मैं कि चुनाव आयोग निश्चित रूप से हर चीज को गंभीरतापूर्वक लेगा और संक्रमण का जो जैसे कि ये लोग कह रहे हैं अगर संक्रमण ही वजह है तो निश्चित रूप से प्रत्येक पहलू पे चुनाव आयोग चिंता करेगा। जी जाफर जी आपने सुना, यदि आपकी ये मंशा है कि केवल संक्रमण फैलने का खतरा इस वजह से आप ये मांग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो भी तैयार है इसके लिए बीजेपी भी। देखिए मैं दोनों मैंने दुर्गेश जी ने शायद मेरी बात गौर से नहीं सुना, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनी तब भी हमने लोकसभा के चुनाव के दौरान सभी पार्टी ऑल पार्टी ने मिलकर ये मांग की थी, तो जीतने के बाद भी हमने मांग की थी। तो ये तो आपका आरोप सही तरीके से हम खारिज होता है कि हम सिर्फ चुनाव हारने के बाद ये मांग करते हैं, चुनाव जीतने के बाद भी हमने ये बात कही, तो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि देखिए फिर बार बार हम कह रहे हैं कि मतपत्र को लेकर और ईवीएम को लेकर जिस प्रकार की कोरोना को लेकर जो चीजें आ रही हैं उस पर जरूर निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। जी दुर्गेश जी निश्चित रूप से देखिए संक्रमण का खतरा तो इस वक्त बना हुआ है और ऐसे में यदि कांग्रेस की ओर से ये मांग की गई है ऐसे में निर्वाचन आयोग की ओर से जो भी क्या फैसला होगा वो आपके ओर से मान्य होगा। देखिए जाफर जी जो बातें कर रहे हैं यहाँ पे आप हमेशा से इस बात को देखेंगे जब भी चुनाव आयोग ने सभी दलों को बुला के जो ईवीएम पे इन्होंने हमेशा से प्रश्न चिन्ह लगाया है जब उसको बात प्रूव करने की बात आई तो कांग्रेस कभी सामने नहीं आई। कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाकर उन चीजों से दूर भग चले जाना है, आज भी ये आरोप लगा रहे हैं निश्चित रूप से, पर मुझे लगता है कि चुनाव आयोग सब चीजों को गंभीरता से सोचते हुए ही आगे बढ़ेगा। चले जाफर जी आप से अंतिम कमेंट्स में चाहूंगा, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो मैं पूरी चीज कह चुका हूं। चले फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। चले सुधीर भी हमारे साथ हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े, सुधीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चले बढ़ते आगे रायपुर।